हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम लोग अपने केमिस्ट्री के विनीत द्विवेदी यूट्यूब चैनल पे आपके साथ हैं। और हम लोगों ने अभी जो अपना आपने पिछला वीडियो देखा होगा, सो हम लोग अभी हाइड्रोकार्बन चैप्टर की पढ़ाई कर रहे हैं एंड दैट इज़ फॉर स्कूल एग्ज़ाम। सो स्कूल एग्ज़ाम के लिए हमने अपनी तैयारी करनी है। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बच्चों एल्कीन तक की चीज़ें आपको बता दी हैं। सो एल्कीन का हमने फिजिकल प्रॉपर्टी देखा, उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी के बारे में जाना। फिर उसके बाद हमने एल्कीन के केमिकल रिएक्शंस टू प्रिपेयर मॉलिक्यूल्स हमने देखा। हमने ये जाना वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा हम एल्कीन को बना सकते हैं। अब चलिए इसी कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग जानते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। सो अभी हमने क्या देखा था, केमिकल मेथड्स टू प्रिपेयर एल्कीन, और अब हम जानेंगे केमिकल रिएक्शंस बाय एल्कीन और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन। देखिए, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमारा एम है एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ना, साथ में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी है। जब हम हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं तो हम ये पाते हैं कि जनरली बच्चों हाइड्रोकार्बन्स उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं जितने कि दूसरे फंक्शनल ग्रुप हैं। दूसरे फंक्शनल ग्रुप में हमारा तात्पर्य है, हमारा मतलब है एल्किल हैलाइड हो गया, एल्कोहल हो गया, इनकी तुलना में हाइड्रोकार्बन्स बहुत बहुत कम रिएक्टिव हैं। और इन हाइड्रोकार्बन्स में भी अगर हम रिलेटिवली अगर हम देखें तो हम ये पाते हैं एल्कीन तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, एल्कीन और एल्काइन में थोड़ी सी रिएक्टिविटी है, और एरोमेटिक कंपाउंड में भी मॉडरेट अमाउंट ऑफ रिएक्टिविटी है। सो एल्कीन तो बहुत ही कम रिएक्टिव है, जैसे कि आप एल्कीन की वीडियोस में आपने देख सकते हैं सिर्फ एक ही रिएक्शन होती है, दैट इज फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, वही हमारे पास बच्चों मेन रिएक्शन है, सॉरी एल्कीन में एक ही रिएक्शन होती है, दैट इज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिर्फ वही हमारी वहां पर मेन रिएक्शन होती है। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोग केमिस्ट्री के विनीत द्विवेदी यूट्यूब चैनल पे हैं और हम लोग की दोस्तों पढ़ाई चल रही है अभी हाइड्रोकार्बन के बारे में, और हमने हाइड्रोकार्बन को पढ़ना है अपने स्कूल एग्ज़ाम के लिए। तो स्कूल एग्ज़ाम के लिहाज से हम हाइड्रोकार्बन को धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, और अब तक हमने एल्केन को तो एक प्रीवियस वीडियो में हमने समझ ही लिया था। एल्केन के भी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन इनको हमने कम्प्लीट कर लिया है। अब बारी हम लोगों की केमिकल रिएक्शंस बाय एल्केन, सो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानने की। देखिए, जब हम लोग हाइड्रोकार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमारे दूसरे ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप की तुलना में उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एल्किल हैलाइड को देखें तो उनमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है, एल्कोहल में भी खूब सारी रिएक्शंस होती है, लेकिन हमारे हाइड्रोकार्बन केमिकल रिएक्शन के मामले में थोड़े से पीछे हैं, वो उतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, सो दे आर क्वाइट इनर्ट इन नेचर। जब हम हाइड्रोकार्बन में भी जब हम एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एरोमेटिक कंपाउंड को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि सभी हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन बच्चों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो आप अपने स्कूल एग्जाम्स में अगर आपको केमिकल रिएक्शन पूछी जाएंगी तो आप ये मान के चल सकते हैं उसमें ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपकी केमिकल रिएक्शन एल्कीन वाली पूछी जाए आपसे। सो आइए चलिए देखते हैं एल्कीन में वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो होती हैं। देखिए, जब हम केमिकल रिएक्शंस बाय एल्कीन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पे आते हैं, जब हम दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन पे आते हैं तो हम ये पाते हैं कि एल्कीन पे एक टिपिकल तरीके की रिएक्शंस मेनली होती हैं, और ये जो दोस्तों टिपिकल तरीके की रिएक्शंस है इनका एक नाम होता है, इनको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। सो अगर हम दोस्तों एल्कीन पे देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि एल्कीन पर मेनली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती है। और अच्छी बात यह है कि जब हम एल्काइन को पढ़ेंगे तो एल्काइन में भी हमको यही रिएक्शंस मिलेगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बस अंतर ये हो जाए कि एल्काइन में ये रिएक्शन डबल टाइम्स होंगी, क्योंकि एल्काइन में एल्कीन की अपेक्षा में दो पाई बॉन्ड मौजूद हैं और एल्कीन में सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, तो रिएक्शन का नेचर वही रहेगा, बस डबल टाइम रिएक्शन होगी। इसके एडिशन में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के एडिशन में एल्कीन में एक और तरीके की रिएक्शंस होती है जो भी आपको स्कूल के लिए जाननी जरूरी है, दैट इज़ बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो आइए चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अब हम लोग इन सारी रिएक्शंस को वन बाय वन देखते हैं। देखिए दोस्तों, सो जब हम एल्कीन में बात करते हैं ठीक है, जब हम बच्चों एल्कीन में बात करते हैं तो मॉलिक्यूल जब भी हम एल्कीन के ऊपर छोड़ते हैं, पहली चीज बच्चों क्या होती है कि मॉलिक्यूल हमारा हमेशा ऐड होता है। अगर हम एल्कीन के ऊपर एक कंपाउंड HA टाइप के रिएजेंट को हम ऐड कर रहे हैं
तो ये एच ए टाइप का मॉलिक्यूल में एच एटम और ए एटम एल्कीन से जाकर के जुड़ जाएंगे। और किस तरह से जुड़ेंगे, एल्कीन का हमने ये पाई बॉन्ड तोड़ना है और इस पाई बॉन्ड को तोड़ करके हमने एटम एच और एटम ए इनको हमने ऐड कर देना है। इसीलिए बच्चों इस रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सो एल्कीन पे हम पहली बात ये जान रहे हैं कि हमेशा क्या होती है रिएक्शन बच्चों, एडिशन रिएक्शन। जैसे कि एल्कीन पे हमने रिएक्शन पढ़ी थी क्या, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पर क्या होता है, एक एटम आता है और एल्कीन के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके चला जाता है। यहां पर क्या है, बस एटम्स आ रहे हैं और किसको तोड़ रहे हैं, पाई बॉन्ड को। अब पाई बॉन्ड में कोई एटम तो लगा नहीं है, बस पाई बॉन्ड टूटा और उसकी जगह पर एटम ने आके दो नए सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बना दिए। सो एल्कीन पे जब हम कोई भी रिएक्शन करेंगे तो हमने पाई बॉन्ड तोड़ करके उसके एवज में दोनों एटम जिनके बीच में पाई बॉन्ड था उनके एवज में दोनों एटम पर एक नए सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड हमने बना देने। अच्छा यहां पर एक और बच्चों चीज है क्या, इलेक्ट्रोफिलिक। देखो बच्चों एल्कीन में जो पाई बॉन्ड होते हैं ये पाई बॉन्ड को हम एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरीके से हमने देखा है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी स्कूली लेवल पे आप बस ये समझिए बच्चों कि एल्कीन पे जब हम देखते हैं चीजों को तो एल्कीन पे हमने पाई बॉन्ड को एक इलेक्ट्रॉन के सोर्स के तौर पे देखना है। राइट, बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को आपने इन्हीं इलेक्ट्रॉन के माध्यम से दोस्तों देखना है। सो एल्कीन पर बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, पाई बॉन्ड मौजूद हैं। इन इलेक्ट्रॉन को देख करके एल्कीन की तरफ कौन से रिएजेंट पहले आकर्षित होते हैं, कौन से रिएजेंट पहले अट्रैक्ट होते हैं एल्कीन पे, वो रिएजेंट है बच्चों वो ऐसे रिएजेंट जिन पे क्या होता है, प्लस चार्ज। सो अगर हम एल्कीन पर बच्चों एच ए को ऐड करते हैं और एच ए एक आयनिक कंपाउंड है या फिर आप कह सकते हैं एक एसिड है जो कि एच प्लस और ए माइनस में टूट जाता है, तो ऐसे में बच्चों आपको ये समझना है कि एल्कीन पहले कौन से रिएजेंट को अपने पास बुलाएगी। दोस्तों पहले वाला रिएजेंट वो होगा जिसपे क्या है, प्लस चार्ज। वाई, बिकॉज दिस प्लस चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एल्कीन के पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। इसके कारण एल्कीन पर पहले हमारे इलेक्ट्रॉन लविंग जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रिएजेंट जो बच्चों इलेक्ट्रॉन को लाइक करते हैं। सो एल्कीन पर हमारे पास पहले हमने पॉजिटिव चार्ज रिएजेंट को लाना है, इसीलिए रिएक्शन का नाम क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। ऐसे रिएजेंट जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, और उनको हमने क्या कराना है, ऐड कराना है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बच्चों चीज बता रहा हूँ, इसके माध्यम से आप दो तीन रिएक्शन को याद कर जाओगे। सो एल्कीन पे जब भी हम कोई रिएजेंट डालेंगे तो पहली बात उस रिएजेंट के दोनों एटम हमने जोड़ देने हैं। अगली बात, कौन सा रिएजेंट पहले ऐड कराओगे, जिस रिएजेंट पे क्या है, प्लस चार्ज, क्योंकि प्लस चार्ज विल गेट अट्रैक्टेड बाय एल्कीन के इलेक्ट्रॉन्स। अगली चीज, जब भी हम रिएजेंट्स को ऐड करेंगे तो हमारे ऐड करने का तरीका बच्चों क्या होगा। दोस्तों ऐड करने का तरीका होगा कि आपने नेगेटिव वाला एटम, दोस्तों नेगेटिव वाला एटम जो सेकेंड स्टेप में ऐड होता है, इसको आपने कहां ऐड करना है, मोर कार्बन सब्स्टिट्यूटेड एटम ऑफ पाई बॉन्ड। दोस्तों मेरा मतलब है कि हमने ए माइनस को उस कार्बन पे ऐड करना है, वो कार्बन जो कि ज्यादा कार्बन से अटैच है। जैसे कि बच्चों ये जो कार्बन है ये सिर्फ दो हाइड्रोजन से अटैच है और ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से अटैच है, तो इनमें से वो कौन सा कार्बन है जो ज्यादा कार्बन से जुड़ा हुआ है, दोस्तों वो है हमारा लेफ्ट वाला कार्बन। सो लेफ्ट वाला कार्बन हमारा ज्यादा कार्बन के साथ अटैच है तो वो क्या हो गया, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। सो हमने मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे किसको लगाना है, ए माइनस को, और लेस वाले पे किसको लगाना है, एच प्लस को। सो अगर हम इस एच ए को ऐड करेंगे तो एच ए का ए जाएगा लेफ्ट पे और एच जाएगा हमारा राइट पे। दोस्तों यही हमारी एल्कीन पे होने वाली मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस का तरीका होता है। अब बस अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप एल्कीन पे कोई भी रिएजेंट्स को आप ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको जैसे कुछ कुछ रिएजेंट्स की एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से बच्चों मैं एल्कीन के ऊपर एच बी आर ऐड कर रहा हूँ, तो एच बी आर कैसे ब्रेक होगा, एच प्लस और बी आर माइनस में। अब पहले आपने किसको ऐड कराना है, एच को, और दोस्तों एच कहाँ ऐड होगा और बी आर माइनस कहाँ ऐड होगा, दोस्तों बी आर माइनस कहाँ ऐड होगा, वो कार्बन पे जो ज्यादा कार्बन से अटैच है। बच्चों समझिएगा, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, जो ज्यादा कार्बन से अटैच है। ठीक है, सो जो ज्यादा लोगों से घिरा हुआ है उस पे हमने बी आर माइनस को ऐड करना है। दैट मीन्स यहाँ पे जाएगा बी आर और यहाँ पे जाएगा एच।
पहले अटैक किसका होगा? एच का होगा, बाद में अटैक किसका होगा? बी आर का होगा, बट नेट रिजल्ट में क्या होगा? बी आर लेफ्ट में लगेगा और एच हमारा राइट में लगेगा, पहले ये आएगा बाद में ये आएगा, बट नेट रिजल्ट फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। इसी तरीके से दोस्तों लेट से हम लोग एल्कीन के ऊपर पानी ऐड करते हैं, पानी की रिएक्शन में हमको एसिड का थोड़ा सा कैटलिटिक अमाउंट चाहिए होता है, बिना एसिड के पानी ऐड नहीं होता है। सो पहले हमको थोड़ा सा एसिड भी डालना होता है। सो हमेशा बच्चों एल्कीन पे वाटर का एडिशन हल्के से एसिड की प्रेजेंस में होता है। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज बाय डाइल्यूट अमाउंट ऑफ बाय डाइल्यूट एसिड। अब दोस्तों पानी को हम लोग कैसे ऐड करेंगे? पानी को भी अगेन आपने ब्रेक करना है। सो यू कैन ब्रेक पानी एज एच प्लस एंड ओ एच माइनस, और जो नेगेटिव वाला आइटम कौन है? ओ एच माइनस, वो दोस्तों कहाँ जाएगा? लेफ्ट वाले पर। और पॉजिटिव वाला आइटम कौन है? H, वो कहाँ जाएगा? राइट वाले पर। ये हमारा यहाँ पर सीन है। अच्छा लेट से बच्चों हम लोग एल्कीन पे किसको ऐड कर रहे हैं? Br2 को ऐड कर रहे हैं। अब Br2 को अगर आप ब्रेक भी करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे? Br प्लस और Br माइनस में, तो इन दैट केस लेफ्ट और राइट दोनों ही जगहों पर हमारा Br ही ऐड होगा। अच्छा एल्कीन पे मान लीजिए बच्चों आपने ICl ऐड किया, नाउ थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग। दोस्तों ICl को अगर हम ब्रेक करें, सो हम ICl को कैसे ब्रेक करेंगे? I पे प्लस अच्छा रहेगा, Cl पे प्लस अच्छा रहेगा? दोस्तों आयोडीन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हमारा क्लोरीन। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर को याद करें तो फ्लोरीन सबसे पहले, फिर ऑक्सीजन, देन क्लोरीन, देन नाइट्रोजन, एंड देन रेस्ट ऑफ दी अदर एटम्स कम्स इन टू पिक्चर। सो अगर हम ICl में देखें कौन सा एटम ज़्यादा नेगेटिव चार्ज को पसंद करेगा, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है बच्चों? Cl। सो ICl में Cl पे माइनस चार्ज रहता है और I पे प्लस चार्ज रहता है। अब बस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप अगेन एल्कीन पे ICl को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे बच्चों आपने ICl को ऐड करना है? आपने ऐसे कार्बन, कौन से कार्बन बच्चों? जो ज़्यादा कार्बन से अटैच है उस पर नेगेटिव वाले को ऐड कराना है। तो Cl माइनस हमारा यहाँ जाएगा और I प्लस हमारा यहाँ आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हमने एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को कैरी आउट करना है। इस रूल को हम लोग कहते हैं क्या? मार्कोनिक ऑफ एडिशन। सो चीज़ें हमारी मार्कोनिक ऑफ फैशन में इस तरीके से ऐड होती हैं कि मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट हमेशा कहाँ जाएगा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे। ऐसा एल्कीन का पाई कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड में वो कार्बन जो ज़्यादा कार्बन से अटैच है उस पर ही मॉलिक्यूल का नेगेटिव वाला पार्ट ऐड होगा, लाइक एच बी आर, और इन सब पे हमने देखा हुआ है। अच्छा सो आई वुड रिकमेंड यू टू प्लीज़ गो फॉर मार्कोनिक ऑफ एडिशन की वर्ड बाय वर्ड डेफिनेशन, ठीक है? जो अभी हमने पढ़ा इसको मार्कोनिक ऑफ एडिशन कहते हैं। व्हाट इज मार्कोनिक ऑफ एडिशन? ओवर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, ऐसी एल्कीन जिसमें दोनों कार्बन में अलग अलग संख्या में कार्बन लगे हुए हैं। ओवर अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो लेफ्ट और राइट से अलग अलग जैसी दिखती है। सो ओवर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, वेन एवर हम मॉलिक्यूल पे कोई भी रिएजेंट ऐड करते हैं तो मॉलिक्यूल का नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता है? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड होता है। इसको हम कहते हैं मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और एल्कीन पे मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें इसी रूल के तहत अटैक करती हैं। लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव लेवल के वीडियोस देखेंगे तो हम पाएंगे कि भाई सिंपल एग्जांपल में तो ये सब चीज़ें काम करती हैं, लेकिन जब कॉम्पिटेटिव लेवल पे हमको थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जांपल्स मिलते हैं वहाँ पे ये सारे रूल बच्चों फेल हो जाते हैं। बट अभी आपको उसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग अपने कोचिंग क्लासेस में या आप जहाँ कहीं पर भी अपना गाइडेंस लेते हैं वहाँ पर आपको ये चीज़ बताया जाएगा। सो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ बच्चों स्कूल के लिहाज से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? सो मार्कोनिक ऑफ एडिशन के तहत हम लोग एल्कीन पे रिएजेंट्स को ऐड करते हैं। अच्छा इसमें एक और बच्चों रूल होता है क्या? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, मतलब जो मैंने चीज़ें बताया चीज़ें उसके रिवर्स मैनर में होंगी। सो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन में क्या करना है आपको? जो भी मैंने आपको बताया उसका रिवर्स करना है। बट ये लगता कब है बच्चों? एंटी मार्कोनिक ऑफ प्रिंसिपल हमारा सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर एडिशन ऑफ एच बी आर इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। इसको एंटी मार्कोनिक ऑफ इफेक्ट, खराश इफेक्ट, परोक्साइड इफेक्ट, अलग अलग नाम से जानते हैं। बट प्लीज बच्चों रिमेंबर करिए, याद रखिए प्लीज बच्चों रिमेंबर कि ये जो हमारा एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन होगा ये एल्कीन पे सिर्फ और सिर्फ एक रीजन के साथ लगता है, विच इज एच बी आर प्लस परोक्साइड। सो आपने अपने स्कूल एग्जाम में इस चीज़ को बहुत केयरफुली ध्यान देना है कि आपका रिएजेंट कहीं एच बी आर के साथ परोक्साइड तो नहीं लगा हुआ है। अगर परोक्साइड नहीं है
तब तो आप चीज़ें नॉर्मल वे में ले जाइए, मार्कोनकॉफ वे में ले जाइए। लेकिन अगर बच्चों HBr के साथ परोक्साइड है तो ऐसे केस में आपने चीज़ों को रिवर्स मैनर में करना होगा। व्हाट इज़ परोक्साइड? बच्चों परोक्साइड हमारा जैसे हाइड्रोजन परोक्साइड ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कि OO लिंकेज होती है, जैसे कि हाइड्रोजन परोक्साइड, बेंजोइल परोक्साइड, अलग अलग टाइप के भाई परोक्साइड्स होते हैं। मैंने यहाँ पे बेंजोइल परोक्साइड का एग्जांपल दिया है। आपको परोक्साइड का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, सिर्फ आपसे परोक्साइड लिखा होगा, ठीक है। और परोक्साइड के लिए कई बार R2O2 शब्द भी लिख देते हैं। O2 मतलब OO का सिंगल बॉन्ड, जो कि परोक्साइड की पहचान है। सो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल में HBr प्लस परोक्साइड है तो ऐसे केस में समझिएगा आपने सारी चीज़ों को रिवर्स मैनर में ले जाना है। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है दोस्तों? HBr प्लस परोक्साइड के केस में, मेरे कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि HBr प्लस परोक्साइड के केस में चीजें किस तरीके से ऐड होंगी? पहले बच्चों नेगेटिव वाला एटम कहाँ जाता था? मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे, और अब बिकॉज ऑफ एंटी मार्कोनकॉफ इफेक्ट अब नेगेटिव वाले एटम को आपने लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे ऐड करना। सो दैट मींस इफ परोक्साइड वॉज एबसेंट तो हमने Br को यहाँ पे लगाया था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कहाँ गया Br ये। लेकिन बच्चों अगर परोक्साइड प्रेजेंट होगा तो Br हमारा लेफ्ट पे नहीं बल्कि राइट वाले एटम पे ऐड होगा, और यहाँ पे कौन ऐड होगा? दूसरा एटम H। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एंटी मार्कोनकॉफ एडिशन ऑफ HBr ओवर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके स्कूल एग्जाम के लिहाज से। दोनों को बच्चों वर्ड बाय वर्ड प्लीज याद रखिएगा, बट प्लीज याद रखना एंटी मार्कोनकॉफ इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ HBr प्लस परोक्साइड की केस में लगता है, बाकी किसी रिएजेंट के साथ ये अप्लाई नहीं होता है। चलिए अब हम लोग अगली रिएक्शन पे आते हैं एल्कीन पर, एंड विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो आइए चलिए उसको हम लोग देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम लोग एल्कीन की सेकेंड रिएक्शन पे आ रहे हैं, विच इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अगर मैं दोस्तों ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की बात करूँ तो ऑक्सीडेशन का मतलब समझिए। ऑक्सीडेशन शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये दो पार्ट में टूटता है, ऑक्सीजन प्लस एडिशन। सो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आप ऑक्सीजन या ऑक्सीजन के जैसे ग्रुप्स, ऐसे ग्रुप जिनमें ऑक्सीजन लगा हुआ है, इनको अगर आप मॉलिक्यूल में ऐड कर दें तो इनको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीजन या ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स का एडिशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो एल्कीन पर ऑक्सीडेशन बहुत तरीके से होता है। अगर हम एल्कीन को हवा में जला दें, जैसे कि हाइड्रोकार्बन तो जली जाएगी, वो भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, बट वो एक्सट्रीम लेवल का ऑक्सीडेशन है। उससे हमें कोई यूजफुल केमिकल कंपाउंड नहीं मिलता, उससे हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्वायर करते हैं। सो इफ वी वॉन्ट टू गेट ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन करने के लिए हमारे पास कई सारे अलग तरीके संभव हो सकते हैं। हमारा एम है ऑक्सीडेशन कुछ ऐसे करना, कुछ ऐसे रिएजेंट का यूज़ करना जिससे हम कुछ काम की चीज़ें, कुछ दवाइयाँ, कुछ प्रोडक्ट या कुछ अलग डिजायर्ड फंक्शनल ग्रुप्स हम ऑब्टेन कर पाएँ। तो आइए चलिए इन्हीं रिएक्शंस के बारे में हम लोग समझते हैं। सो होता क्या है बच्चों, एल्कीन पर पाई बॉन्ड के कारण यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बड़ी अच्छे से होती है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन अच्छे से होने का मतलब है कंट्रोल वे में ऑक्सीडेशन। हम चाहे तो थोड़ा ऑक्सीजन ऐड करें या फिर ज़्यादा ऑक्सीजन ऐड करें, मेरे कहने का तात्पर्य है हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप तक चीज़ों को ले जा सकते हैं। अब जब हम बच्चों एल्कीन पे ऑक्सीडेशन करते हैं तो अलग अलग लेवल की ऑक्सीडेशन होते हैं, कहीं पे ऑक्सीडेशन ज़्यादा करते हैं, कहीं पे कम, कहीं पे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट और कहीं पर माइल्ड रिएजेंट है। सो अगर हम बच्चों ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में पहला रिएजेंट हमारा आता है बेयर्स रिएजेंट। अब भैया ये बेयर्स रिएजेंट क्या है? पहला रिएजेंट दोस्तों हमारा होता है बेयर्स रिएजेंट, और इसको एक टेस्ट के तौर पे भी जाना जाता है। एल्कीन को हम दो तरीके से केमिकली डिटेक्ट करते हैं। पहला होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जो मैंने Br2 वाली रिएक्शन लिखी थी वो। इस रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन के ऊपर से जब हम ब्रोमीन वाटर को पास करते हैं, जब हम ब्रोमीन के CCl4 सॉल्यूशन को पास करते हैं, तो ब्रोमीन जब CCl4 में डिसॉल्व होता है तो उसमें बच्चों उसका ब्राउन कलर होता है। बट जैसे जैसे रिएक्शन से हम ब्रोमीन को हम पास करते हैं
तो ब्रोमीन को तो एल्कीन खा जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हो जाता है, तो रिएक्शंस में से धीरे धीरे ब्रोमीन कम होने लगता है, और ब्रोमीन के कम होने से ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो भी गायब होने लगता है। सो जब भी हम एल्कीन के ऊपर से ब्रोमीन का सोल्यूशन पास करते हैं तो एल्कीन ब्रोमीन को खा जाता है, और इससे ब्रोमीन का जो कलर था सोल्यूशन में वो भी धीरे धीरे गायब होने लगता है। इसे हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट बच्चों याद रखना है, एल्कीन भी देते हैं और एल्काइन भी देते हैं। सो ये एल्कीन और एल्काइन, इन शॉर्ट टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, मतलब टेस्ट ऑफ पाई बॉन्ड के तौर पे इसे देखा जाता है। ब्रोमीन वाटर एडिशन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं देंगे, सिर्फ कौन देंगे, एल्कीन और एल्काइन। सिमिलरली एल्केन भी नहीं देंगे क्योंकि उनमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है। सो एल्कीन को दो तरीके से टेस्ट करते हैं, पहला हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट और दूसरा हमारा क्या, बेयर्स रिएजेंट टेस्ट। बेयर्स रिएजेंट के सोल्यूशन को भी जब हम एल्कीन से पास करते हैं तो एल्कीन हमारे बेयर्स रिएजेंट के पर्पल पिंक कलर को डिसअपियर कर देते, गायब कर देते। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन के कारण होती है, जिसके बारे में आपको रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में पता चलेगा। सो बेयर्स रिएजेंट विच इज केमनोफोर सोल्यूशन, इसका अपना एक पर्पल पिंक कलर होता है, लेकिन जैसे जैसे ये सोल्यूशन एल्कीन के ऊपर से पास होता है तो एक तरह से केमनोफोर को खाने लगता है, और इसके खाने से केमनोफोर का कलर भी बच्चों गायब होने लगता है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है। सो जब हम एल्कीन के ऊपर से बच्चों बेयर्स रिएजेंट पास करते हैं, बेयर्स रिएजेंट से हमारा मतलब है कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन केमनोफोर सॉल्यूशन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में आप जानते हैं कि केमनोफोर एक बहुत ही बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। अगर हमने केमनोफोर को अगर हमने थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं किया तो बच्चों केमनोफोर इतना स्ट्रांग वे में ऑक्सीडेशन करेगा कि एल्कीन को बहुत ही हायर फंक्शनल ग्रुप में, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में उड़ा देगा। सो हम चाहते हैं कि रिएक्शन हमारी कंट्रोल वे में हो, और इसीलिए बच्चों हम लोग यहाँ पर केमनोफोर को बहुत डाइल्यूट, ठंडा और बेसिक मीडियम में हमने यूज़ किया हुआ है। चलिए आइए आते हैं इसके इफेक्ट क्या होंगे। सो अगर हम बच्चों एल्कीन पर बेयर्स रिएजेंट ऐड करते हैं, सो बेयर्स रिएजेंट से ऑक्सीजन हमको मिलता है क्योंकि केमनोफोर में बहुत सारा ऑक्सीजन मौजूद है, तो ये ऑक्सीजन बच्चों हमारा पाई बॉन्ड के ऊपर OH के फॉर्म में लग जाता है, और इससे हमको क्या मिलता है, डायोल। एंड प्लीज रिमेंबर, इस रिएक्शन के दौरान बेयर्स रिएजेंट का पर्पल पिंक कलर भी फेड आउट हो जाता है, तो इसको भी हम लोग टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन, एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो गिवन बाय एल्कीन एज वेल एज एल्काइन। सो ब्रोमीन वाटर टेस्ट और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट, ये दोनों ही हमारे एल्कीन और एल्काइन के लिए प्राइमरी डिटेक्शन टेस्ट के तौर पर यूज होते हैं, और ये टेस्ट हमारे एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेट और एल्केन दोनों ही बच्चों नहीं देते हैं। ठीक है, सो बेयर्स रिएजेंट टेस्ट में हमारा एल्कीन में ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसमें, अप टू डायोल, डायोल मतलब दो, ऑल मतलब अल्कोहलिक ग्रुप। चलिए अगले हम लोग ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे आते हैं, विच इज ओजोनोलिसिस। अगले हम लोग रिएक्शन पे आते हैं विच इज ओजोनोलिसिस। अच्छा, ओजोनोलिसिस भी अलग अलग तरीके से होती है, एक होती है ओजोन प्लस जिंक के द्वारा, और एक होती है ओजोन प्लस H2O2 के द्वारा। ठीक है, तो जो रिएक्शन जिंक के साथ होती है इसे हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि इसमें रिडक्शन हो रहा होता है, जिंक एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और जो ओजोनोलिसिस H2O2 के साथ होती है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, क्योंकि H2O2 खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो देखिए इस रिएक्शन में करना क्या है बच्चों, कभी भी आपको एल्कीन या एल्काइन अगर आपको ओजोनोलिसिस रिएक्शन मिलते हैं सो आपने करना क्या है दोस्तों, यू नीड टू ब्रेक मॉलिक्यूल इनटू टू पार्ट्स। कहाँ से मॉलिक्यूल को ब्रेक करना है बच्चों, पाई बॉन्ड के अक्रॉस ब्रेक करना है। पाई बॉन्ड से आपने मॉलिक्यूल को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, और आपने जो दो बॉन्ड तोड़े उसकी जगह पे दो बॉन्ड आप ऑक्सीजन के साथ लगा देंगे। सो दिस इज आवर ओजोनोलिसिस जिंक वाली। इसकी एक दूसरी ओजोनोलिसिस भी है H2O2 वाली। देखिए जब आपने H2O2 डाल दिया है तो H2O2 खुद भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें भी ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा बच्चों, मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। अच्छा, ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किसको देगा, ओनली टू एल्डिहाइड्स, ओनली टू एल्डिहाइड्स। रिएक्शन बच्चों जो भी एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं उनको ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देगा। ये क्या है, ये तो भाई कीटोन है, तो H2O2 इसको नहीं ऑक्सीजन दे पाएगा। लेकिन रिएक्शन में दोस्तों जो एल्डिहाइड ग्रुप है, जैसे कि CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड होता है, ये इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देकर के कार्बोक्सिलिक एसिड तक में ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, सो वी विल गेट फॉर्मिक एसिड। लेटर ऑन फॉर्मिक एसिड अगेन H2O2 के साथ रिएक्ट करके CO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, सो अगर हम लोग इस रिएक्शन को देखें तो पहले हमने ये प्रोडक्ट मिलेगा, एंड लेटर ऑन फॉर्मिक एसिड ही CO2 में चला जाएगा।
अच्छा, सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड में फॉर्मिक एसिड ही होता है जो CO2 में ऑक्सीडाइज होता है, बाकी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होते। सो दैट मीन्स अगर हमने यही ओजोनलिसिस रिएक्शन इस तरीके से होती तो कौन सी ओजोनलिसिस करते, ओजोन प्लस H2O। ओके फ्रेंड्स, सो अगर मान लीजिए हम लोग यही ओजोनलिसिस रिएक्शन ओजोन प्लस H2O2 के साथ करें तब क्या होगा, ओजोन प्लस H2O2 के साथ करने पे क्या होगा, ये मॉलिक्यूल हमारा दो पार्ट में ब्रेक करना है जस्ट लाइक एज इट इज, ओजोन प्लस जिंक या ओजोन प्लस H2O2। मॉलिक्यूल पहले हमारा बच्चों दो पार्ट में ब्रेक होगा, और दो पार्ट में ब्रेक होने के बाद फिर अब हमने करना क्या होगा, हमने यहाँ पर पहले वाले पार्ट को तो ओ देना है, दूसरे वाले पार्ट को हमने ओ देना है, और इसके बाद ये बन क्या गया, अरे ये तो एल्डिहाइड बन गया। और जैसा मैंने बोला कि अगर हम H2O2 वाली ओजोनलिसिस कर रहे हैं तो इस H2O2 एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देगा किसको, एल्डिहाइडी ग्रुप को, और एल्डिहाइडी ग्रुप को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन बच्चों किसमें देगा, सो दैट दे गेट कन्वर्टेड इनटू क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड है तो ये पुनः H2O2 से रिएक्ट करके अगेन H2O2 से रिएक्ट करके CO2 में जाएगा। बट इन ऑल अदर डिफरेंट केसेस जब फॉर्मिक एसिड नहीं बन रहा है तो आप चीज़ों को कार्बोक्सिलिक एसिड स्टेट पे ही रोक देंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी यहाँ पे ओजोनलिसिस रिएक्शन है जिसमें कि हमने ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, रिडक्टिव ओजोनलिसिस और बेयर्स रिएजेंट वाली ओजोनलिसिस को देखा है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस और ऑक्सीडेटिव और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब चलिए हम लोग एल्काइन पे चलते हैं। सो अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस बाय एल्काइन को आइए देखते शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग आ गए हैं अपने बढ़ते बढ़ते हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एल्काइन के पोर्शन तक हम लोग आ गए। एल्काइन को पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा क्योंकि एल्काइन की 90% रिएक्शंस वही रिएक्शंस है जो हमने एल्कीन के दौरान देखी है, तो इसीलिए इस सेक्शन हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। सो आइए चलिए तुरंत इसको शुरू करते हैं। सो एल्काइन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी बच्चों वही रहेंगी जो एल्कीन में थी, आप वीडियो को रिवाइंड करके जाके देख सकते हैं कि एल्काइन्स का भी लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू जैसे जैसे एल्काइन बढ़ेगी साइज बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। एल्काइन्स आर नॉन पोलर जस्ट लाइक एल्कीन, एल्काइन्स पानी में सॉल्युबल नहीं होंगे जस्ट लाइक एल्कीन, तो मोर और लेस बच्चों इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वैसी हैं जैसे एल्कीन में थी। हम लोग डायरेक्टली मूव करते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शंस टू प्रिपेयर एल्काइन। और जब हम एल्काइन की बच्चों केमिकल रिएक्शन पे आते हैं तो यहाँ पर हमको कुछ ही रिएक्शंस हैं जो एल्काइन को बनाने को लेकर के देखनी है। पहली रिएक्शन है बच्चों हाइड्रोलिसिस, कार्बाइड्स, ठीक है। कार्बाइड्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें कार्बन एज ए एनायन पार्टिसिपेट करता है, जैसे कि ऑक्साइड वो सॉल्ट होते हैं जिनमें ऑक्सीन एज ए एनायन है, नाइट्राइड वो सॉल्ट होते हैं जिनमें नाइट्रोजन एज ए एनायन है, और कार्बाइड्स वो सॉल्ट होते हैं जिनमें कार्बन एज ए एनायन के तौर पे पार्टिसिपेट करता है। सो इन्हीं कार्बाइड्स में से हमने दो कार्बाइड्स को लेना है, एक होता है कैल्शियम कार्बाइड जो कि आर्टिफिशियली फ्रूट्स वगैरह को पकाने के काम में आता है, राइपनिंग के काम में आता है, और एक दूसरा बच्चों कार्बाइड हमारा मैग्नीशियम कार्बाइड्स। सो जब हम कैल्शियम कार्बाइड को पानी में डालते हैं तो इट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, ये एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है और कई लोगों ने इससे अलग अलग टाइप की चीज़ें भी बनाई हुई हैं, जैसे कई लोगों ने पानी से चलने वाली कार में भी इस रिएक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है, उसमें बेसिकली पानी कार्बाइड से रिएक्ट करके एसिटिलीन पैदा करता है और एसिटिलीन एक हाइड्रोकार्बन होने के कारण कार को फ्यूल प्रदान करता है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है मैग्नीशियम कार्बाइड की, मैग्नीशियम कार्बाइड को भी अगर हम पानी से रिएक्ट कराएं तो ये भी हमको एक तरह की एल्काइन देती है जिसका नाम होता है क्या, प्रोपाइन गैस। सो ये दोनों रिएक्शन ही बच्चों सिर्फ रिएक्शंस है जिनसे हम एल्काइन मिल रहा है, कार्बाइड्स और भी रिएक्शन करते हैं बट उनसे एल्केन हमको मिलता है। सो इन्हीं दोनों रिएक्शन से हमको एल्काइन मिल रहा है, प्लीज याद रखिएगा, कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड। हम इन रिएक्शंस को बैलेंस भी कर सकते हैं सो दैट हमारे को कोई दिक्कत की बात ना हो। सो कैल्शियम कार्बाइड वाली रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमको शायद 2H2O का इस्तेमाल होगा, और मैग्नीशियम कार्बाइड वाली अगर हम रिएक्शन को देखें तो हमें 4H2O का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। सो आई गेस मोर और लेस चीज़ें हमारी बैलेंस है।
चलिए, तो पहली रिएक्शन होगी हमारी हाइड्रोलिसिस ऑफ कार्बाइड, जिसमें आप कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड की पानी के साथ रिएक्शन को हम अंजाम देते हैं और जिससे हमको एल्काइन मिलता है। अगली रिएक्शन होती है हमारी डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। ये डबल डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या करना है भाई, ये नाम तो सुना हुआ है भाई, एल्काइन में सारा नाम आपको सुना ही हुआ ही मिलेगा। सारी रिएक्शन, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस एल्काइन की एल्कीन में आपने देख लिया है, बस चीज़ों की संख्या बस हमने डबल बार कर देना है। सो अगर हम बच्चों एल्काइन को डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करें, क्या था भाई यहाँ पर डिहाइड्रो, डी मतलब निकलना, किसको निकालना, हाइड्रोजन और हैलोजन को। सो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हैलोजन को हमने दो बार निकालना है। ऐसा कब संभव हो पाएगा, जब हमारे पास ऐसा रिएजेंट हो जिसमें दो हैलोजन हो। जब हम ऐसे रिएजेंट को हीट करते हैं किसके साथ, या तो अल्कोहलिक केवेज के साथ, और या फिर दोस्तों हम लोग इसको हीट कर रहे हैं NaNH2 के साथ। यस, यहाँ पे दो रिएजेंट्स हैं जिनसे आप काम कर सकते हो, बट यस हीटिंग तो रहेगा ही रहेगा। जैसा कि मैंने कहा था कि कोई भी बंदा अगर आपके घर में आ जाए तो आप उसको निकालने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वो आसानी से निकलता है। तो यहाँ पर भी हमने दो मॉलिक्यूल को निकालना है तो सर्टेनली डबल मेहनत है, तो इसीलिए अल्कोहलिक केवेज के साथ साथ उससे भी स्ट्रॉन्ग रिएजेंट का भी आप यहाँ पे सहारा कई बार लेना पड़ता है। क्या करेंगे, हीट करेंगे तो HBr निकलेगा, जैसे कि हमने डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड में किया था, और अगेन यहाँ पर भी हमारा पाई बॉन्ड बीच वाला पाई बॉन्ड ही बनेगा, लेकिन इस बार दो बार निकल करके हमको ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, सो ये दो हमारी पहले रिएक्शंस है जो हमने एल्काइन बनाने के बारे में देखनी है। एक और इसमें रिएक्शन होती है जो काफ़ी आपके लिए ज़रूरी है, बाई यूजिंग स्मॉलर एल्काइन टू लार्जर एल्काइन। अब इस रिएक्शन को जरा ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, इस रिएक्शन में हमने पहले तो एक एल्काइन लेनी है, और ये एल्काइन हमारी ध्यान रखिएगा टर्मिनल एल्काइन होनी चाहिए। टर्मिनल एल्काइन मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बच्चों सर्टेनली एंड के दो कार्बन में होना चाहिए। सो हमने लेनी है बच्चों टर्मिनल एल्काइन, और फिर हमने इस टर्मिनल एल्काइन से एच को हटाना है। अब एच को हटाने के लिए आप क्या यूज करोगे, NaNH2। यस, NaNH2 आएगा और एक एच प्लस को लेकर के भाग जाएगा। H+ गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जब ये यहाँ से H+ चला गया, Na+ आ गया है। अब ये जो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज है ना, अब आपने यहाँ पे कार्बन की चेन को जोड़ना है। तो अब आप यहाँ पे जितनी भी कार्बन की चेन आप जोड़ना चाहें उतने कार्बन का क्या ले लें, एल्किल हैलाइड। दोस्तों याद करिए, मैंने आपको एल्कीन को शुरुआत में बताया था कि मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन में हमारा एल्किल हैलाइड यूज होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड्स आर वेरी रिएक्टिव, और इनकी रिएक्टिविटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि इनमें जो हैलोजन्स है दे आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप। ये रिएक्शन में जरूरत पड़ने पे तुरंत खट से निकल जाते हैं। सो जैसे ही बच्चों यहाँ पर हम सी माइनस को लेकर के आएंगे, Br माइनस तुरंत झट से निकल जाएगा और हमको हमारी रिएक्शन मिल जाएगी। और इस रिएक्शन में अब देखिए नेट रिजल्ट क्या होगा, सी माइनस आया तो CH2 CH2 CH3 Br से हमारा Br चला गया और सी माइनस आके चला गया। सो आपने किया क्या, एक माइनस वाले को लाए और बदले में दूसरे माइनस वाले को आपने भगा दिया। अब ये जो निकला हुआ Br माइनस, ये क्या करेगा, ये Na+ के साथ सॉल्ट बना लेगा। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग एल्काइन की कार्बन की चेन को बड़ा कर सकते हैं। ये हमारी काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बट इस रिएक्शन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखोगे, इस रिएक्शन में आपने छोटी एल्काइन लेनी है, बट वो छोटी एल्काइन अपनी क्या होनी चाहिए, टर्मिनल एल्काइन, मतलब इसमें ट्रिपल बॉन्ड लास्ट के दो कार्बन में होना चाहिए। ठीक है, सो हमने छोटी एल्काइन ले ली, पहले NaNH2 के साथ रिएक्ट करके उसका H निकालोगे, और उसके बाद में उसमें एल्किल हैलाइड डाल करके जितने कार्बन जोड़ने उतने कार्बन आप जोड़ दोगे। तो इस तरीके से हम लोग एल्काइन को बनाने की ये तीन रिएक्शन हमारे पास होती हैं। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलते हैं अब एल्काइन की केमिकल रिएक्शन की तरफ, और ये भी अगेन बहुत ही एक छोटा सा ही सेक्शन हमारे लिए रहेगा।
फ्रेंड्स, एल्काइन की जो केमिकल रिएक्शन है वो बहुत ही बहुत सिंपल है और आपको इनको याद करने में बहुत ही कम समय लगने वाला है, क्योंकि एल्काइन पे वो सारी रिएक्शंस हो रही हैं जो एल्कीन में हो रही हैं। रीज़न, क्योंकि एल्कीन में जैसे पाई बॉन्ड है वैसे यहाँ पर भी पाई बॉन्ड है। लेकिन पहली चीज़ याद रखिएगा, एल्काइन पे जो रिएक्शंस होती हैं वो एल्कीन की अपेक्षा में थोड़ी स्लो होती हैं। अब ये हमको सुनने में बड़ा अजीब लग सकता है कि भाई एल्काइन में तो दो दो पाई बॉन्ड हैं और एल्कीन में एक ही पाई बॉन्ड है, सो दो पाई बॉन्ड वाला तो ज़्यादा रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन इसका आंसर बच्चों हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल की वीडियोज़ में हम लोग देख पाएंगे। सो एल्काइन पर एल्कीन वाली रिएक्शन होती है लेकिन थोड़ी सी स्लो रेट में होती है, और संख्या इनका मैग्नीट्यूड बच्चों डबल होता है। सो ज़्यादा टाइम्स होगी लेकिन स्लोअर रेट के साथ होगी, ये यहाँ पर की कंसेप्ट है। सो चलिए जल्दी से मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता देता हूँ। सो अगर हमारे पास एक एल्काइन है, सो इसमें अगर मैं चीज़ों को ऐड करूँ तो अगेन बच्चों वही होगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। HBr ऐड करोगे, HBr का Br कहाँ ऐड करोगे, ऐसे कार्बन पे अटैच करोगे जो ज़्यादा कार्बन से अटैच है। तो ये कार्बन एक से अटैच है और ये एक भी कार्बन से नहीं अटैच है, सो नेगेटिव हिस्सा कहाँ जाएगा, ऐसे कार्बन पे जाएगा जो ज़्यादा कार्बन से अटैच है। बस इस बार बच्चों रिएक्शन एक बार नहीं बल्कि दो बार करना है, सो दो HBr आप ऐड करोगे। इसी तरीके से अगर आप बच्चों पानी ऐड कर रहे हो तो भी यही होगा सीन। ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बच्चों, दो OH एक कार्बन पे अनस्टेबल होते हैं तो यहाँ से तुरंत बच्चों पानी भी निकल जाएगा, और पानी ऐड निकलने के बाद यहाँ पर वी विल गेट फाइनली एसीटोन कीटोन। यहाँ पर पानी आपने ऐड किया H+, दो पानी ऐड होंगे और दो पानी ऐड होने के बाद एक पानी निकल भी जाएगा। इसी तरीके से अगर हम Br2 ऐड करते हैं तो वही Br2 को ब्रेक करो कैसे, Br-Br+ में, और यहाँ पर भी वही होगा, पहला Br, दूसरा Br, पहला Br एंड दूसरा Br। तो सारी चीज़ें बच्चों वही होनी है सिर्फ दो बार। अच्छा, यहाँ पर भी वही चीज़ है कि अगर हम लोग HBr के साथ क्या करेंगे, परऑक्साइड डाल देंगे तो वही एंटी मार्कोनिकोफ रिएक्शन होगी दो बार। सो अब की बार Br लेफ्ट पे नहीं बल्कि राइट पे लेस वाले कार्बन पे लगेगा, तो एंटी मार्कोनिकोफ रिएक्शन भी होनी है बट दो बार होनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि चीज़ें हमारी सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही बल्कि ऑक्सीडेशन भी होती है। सो एल्काइन एल्कीन की तरह ऑक्सीडाइज भी होता है। ऑक्सीडेशन के लिए मैंने कौन कौन से रिएजेंट बताए थे, तीन रिएजेंट। पहला था हमारा बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट एक हल्का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्योंकि वहाँ पे KNO4 गोल्ड डायल्यूट और बेसिक मीडियम में मौजूद है, तो इसकी पावर थोड़ी सी कम हो जाती है। अगला रिएजेंट क्या, ओजोनलेसिस बाय जिंक एंड ओजोनलेसिस बाय H2O2। सो आइए उन पे आते हैं। सो अगर मैं इसको बेयर्स रिएजेंट के साथ ट्रीट करता हूं तो ये रिएक्शन होगी। अगर मैं बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता हूं तो ये रिएक्शन होगी। और बेयर्स रिएजेंट ने क्या किया था यार, वहां पर पाई बॉन्ड तोड़ करके OH लगा दिया था, तो यहां पर भी बच्चों वही होगा, पाई बॉन्ड टूटेगा और OH लग जाएगा, लेकिन दो बार, क्योंकि दो पाई बॉन्ड है तो दो बार रिएक्शन होगी। यहां पर चार OH लग जाएंगे। अच्छा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, कभी भी ऐसा होगा तो मॉलिक्यूल बच्चों पानी लूज आउट कर देगा। सो पानी यहां से लूज आउट हो जाएगा, एक कार्बन से दो OH अनस्टेबल है तो पानी लूज आउट हो जाएगा एंड फाइनल प्रोडक्ट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड। इसी तरीके से ओजोन प्लस जब हम जिंक करेंगे या ओजोन प्लस हम लोग H2O2 करेंगे तो भी हमने कुछ इसी तरीके से काम करना है। ओजोन प्लस जिंक में क्या करोगे, इस बार बच्चों चूंकि मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड नहीं बल्कि ट्रिपल बॉन्ड है, और ओजोन की ताकत क्या होती है, दो बॉन्ड तोड़ने की। जैसे एल्कीन में मैंने क्या किया था, अगर आप वीडियो को जाकर के देखें, मैंने मॉलिक्यूल को दो भागों में तोड़ दिया था, तोड़ते वक्त मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड को तोड़ा। सो प्लीज याद रखना बच्चों, ओजोन, ओजोन में क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है, दो बॉन्ड। सो ऑक्सीजन की बच्चों ताकत है सिर्फ दो बॉन्ड तोड़ करके अपने साथ नई दो बॉन्ड बनाने की, लेकिन एल्काइन में तो क्या है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। सो अगर यहाँ पर हम बीच में ऑक्सीजन को लाते भी हैं तो ऑक्सीजन की ताकत सिर्फ बच्चों दो ही बॉन्ड तोड़ने की है, तो ऑक्सीजन सिर्फ यहाँ पर दो बॉन्ड तोड़ेगा, एक बॉन्ड अभी भी यहाँ पर लगा रह जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट होगा। क्या करना है, दो बॉन्ड तोड़ करके ऑक्सीजन के साथ नए बॉन्ड बनवा देने हैं। और अगर हमारा ओजोन प्लस H2O2 है तो क्या होगा, पहले ये बनेगा लेकिन H2O2 रिएक्शन के बाद फिर कुछ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे देगा। इस बार बच्चों मॉलिक्यूल को हमने तोड़ना पड़ जाएगा, और तोड़ेंगे किस में, वही बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड में। और कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे बताया कि कभी भी रिएक्शन में अगर फॉर्मिक एसिड बनता है तो आप इसको तुरंत अपने आप CO2 में ऑक्सीडाइज कर दोगे, कोई और एसिड कभी भी ऑक्सीडाइज फर्दर नहीं होता है।
सो थोड़ा सा अगर आप इनको अपनी स्कूल किताब में जाकर के देखेंगे तो आपको भी बच्चों आइडिया लगने लगे कि किस तरह से काम करना है। बस ध्यान रखना क्या चीज़, बेयर्स रिएजेंट में हमने दो OH लगाने हैं, पहले एक बार OH लगाया था एल्कीन में, अब की बार दो बार OH लगाएंगे, दोनों कार्बन पे दो दो OH, एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते तो पानी निकाल करके कीटोन बना देना। ओजोन प्लस जिंक है, ये रिएक्शन हल्की होती है। ओजोनलिसिस रिएक्शन में क्या करते हो, दो बॉन्ड तोड़ करके बदले में ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल में से दो बॉन्ड तो तोड़ दोगे लेकिन एक बॉन्ड बचा रह जाएगा, सो मॉलिक्यूल दो भाग में नहीं टूटेगा, सिंगल पीस ही रहेगा। लेकिन जब H2O2 डालोगे तो एक एक्स्ट्रा रिएजेंट है ये, अब इसको बचे हुए कार्बन को भी तोड़ करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मिक एसिड है तो वो CO2 में ऑक्सीडाइज अपने आप हो जाता है। चलिए, दैट इज द थिंग फॉर एल्काइन की केमिकल रिएक्शन। और अब बस जाते जाते आपको एक और चीज बता दें, एल्कीन और एल्काइन के केमिकल टेस्ट। फ्रेंड्स, एल्कीन और एल्काइन की केमिकल टेस्ट आपके स्कूल एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटा सा सेक्शन है और स्कूल के लिहाज से एकदम परफेक्टली मैच होता है। सो देखो, केमिकल टेस्ट बच्चों क्या होते हैं, कि ऐसी रिएक्शंस होते हैं जिसमें हमने केमिकल रिएक्शन करानी है, बट देयर शुड बी अ विजिबल इफेक्ट, एक ऐसा इफेक्ट पैदा हो जिसको हम अपने सेंसेस से उसको देख पाएं, या तो हम उसे देख पाएं, या कोई आवाज़ हो जिसे सुन पाएं, या फिर कोई महक निकले जिसे हम सूंघ सकते हैं। सो हमारी सेंसेस को फील होने वाली केमिकल रिएक्शंस को हम केमिकल टेस्ट कहते हैं। अब एल्कीन और एल्काइन में भी हम लोग कुछ इस तरह की रिएक्शन करके एल्कीन और एल्काइन के प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। एल्केन में इस तरह के टेस्ट नहीं संभव होते हैं, सिर्फ एल्कीन और एल्काइन में आप इस तरह के टेस्ट कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से टेस्ट हैं जो हम एल्कीन और एल्काइन पे करते हैं। सबसे पहली चीज बच्चों, एल्कीन और एल्काइन दोनों ही डीकलराइज बेयर्स रिएजेंट एंड ब्रोमीन वाटर। सो एल्कीन और एल्काइन बच्चों दोनों ही, ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट टेस्ट में पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करते हैं। ये पूरा का पूरा सेक्शन यहां पर भी, सो एल्कीन में भी होगा और एल्काइन में भी होगा। व्हाट इज ब्रोमीन वाटर रिएक्शन, अगर हम एल्कीन के सोल्यूशन से ब्रोमीन को पास करते हैं तो एल्कीन ब्रोमीन को खा जाती है, और खाने से जो ब्रोमीन के कारण जो कलर था ब्रोमीन ब्राउन कलर, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है। तो इसको हम कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें क्या होता है, रिएक्शन में एल्कीन के ऊपर Br2 का अटैक होता है, और Br2 का अटैक वही होगा जो मैंने आपको बताया था। सेम चीज़ बच्चों एल्काइन में भी होगी, एल्काइन में बस क्या होगा, एक Br2 नहीं बल्कि दो Br2 का अटैक होगा और हमको टेट्रा प्रोडक्ट हमको मिलेगा, टेट्रा हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर भी होगा। सेम फॉर बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट का कलर क्या होता है, पर्पल पिंक। जब हम एल्कीन और एल्काइन के ऊपर से बेयर्स रिएजेंट को पास करते हैं तो बेयर्स रिएजेंट का पर्पल पिंक कलर भी फेड होने लगता है और कलर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगता है। ये दोनों ही रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों ये है कि अगर मान लो कोई कंपाउंड ये रिएक्शन दे रहा है तो दैट मीन्स वो या तो एल्कीन होगा या एल्काइन होगा या दोनों ग्रुप होंगे, बट एल्कीन और एल्काइन में से कौन सा ग्रुप है ये हम नहीं पता कर पा रहे हैं। समझिएगा, एल्कीन भी ये टेस्ट दे रहा है और एल्काइन भी ये टेस्ट दे रहा है, लेकिन वो कौन सा, अगर मॉलिक्यूल में लेट से हमने एल्काइन लिया हुआ है, लेट से मैंने आपको प्रोपाइन दे दिया, अब प्रोपाइन को आप कैसे डिटेक्ट करोगे, आपने उसमें ब्रोमीन वाटर डाला और बेयर्स रिएजेंट डाला, दोनों से ही आपको टेस्ट मिला, बट आपको और मुझे पता है ना ये प्रोपाइन है, जो बंदा ये टेस्ट करा उसे तो नहीं पता ये प्रोपाइन है, तो उसको क्या लगेगा कि या तो जो कंपाउंड आपको दिया गया या तो ये एल्काइन है या एल्कीन है। सो इसका तो कंफर्मेशन हो गया कि जो कंपाउंड है उसमें एल्कीन और एल्काइन है, क्योंकि उसने ब्रोमीन वाटर और बेयर्स रिएजेंट को फेड कर दिया, लेकिन वो एल्कीन या एल्काइन में से क्या है ये पता करना बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमारे पास एक सेकेंड टेस्ट होता है। अब वो सेकेंड टेस्ट क्या है इसके बारे में बात करते हैं।
सो एल्काइंस बच्चों, एल्काइंस ये इन दोनों रिएक्शंस के अलावा, इन दोनों टेस्ट के अलावा एक एडिशनल टेस्ट भी देता है, लेकिन वो एडिशनल टेस्ट की भी एक लिमिटेशन है बच्चों। ऐसी एल्काइंस जिनमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है बच्चों, एंड पे, जिनको हम कहेंगे क्या, टर्मिनल एल्काइंस बच्चों। ऐसी एल्काइन जो टर्मिनल एल्काइन है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड सिर्फ लास्ट के दो कार्बन पे है, उनमें अगर मैं अमोनिया और सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन डालता हूं, या फिर उनमें मैं अमोनिया या फिर क्यूप्रस क्लोराइड का सोल्यूशन डालता हूं, तो ऐसा करने में क्या होता है, अमोनिया आता है और एक एच प्लस को निकाल देता है, एच प्लस चला गया, और H+ के जाने के बाद ये जो नेगेटिव चार्ज है Ag+ के साथ सॉल्ट बना लेता है, कैसा, वाइट कलर का, वाइट कलर प्रेसिपिटेट। सो अगर मान लीजिए आपका जो कंपाउंड है वो ब्रोमीन वाटर और बेयर्स एजेंट के टेस्ट के अलावा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट के से भी टेस्ट दे रहा है, तो आप समझ जाइए बच्चों आपका जो कंपाउंड है वो एल्कीन ना होकर के एल्काइन है, बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव रिएक्शन गिवन बाय टर्मिनल एल्काइन। सिमिलरली अगर मैं ये डाल देता हूँ क्यूप्रस क्लोराइड, तो ऐसे केस में भी यही होगा, अमोनिया आएगा, H+ ले जाएगा, और H+ के जाने के बाद यहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये नेगेटिव चार्ज Cu+ के साथ रेड प्रेसिपिटेट बनाएगा। सो टर्मिनल एल्काइन बच्चों प्लीज याद रखना, ओनली टर्मिनल एल्काइन, दैट मींस अगर ये एल्काइन है तो ये एल्काइन बच्चों ये टेस्ट नहीं देगा। सो टर्मिनल एल्काइन्स इन एडिशन टू ब्रोमीन वाटर एंड बेयर्स एजेंट टेस्ट, ये एक एडिशनल टेस्ट भी देते हैं। इस तरीके से हम लोग एल्कीन और एल्काइन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, सो इस तरह से हमारा ये एल्काइन वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। आपने एल्कीन देखा और एल्काइन देखा, और अब चलिए हम लोग अगले के वीडियोस में अगले दूसरे टॉपिक्स को हम लोग कवर करते हैं। सो पूरी मेरी तरफ से बच्चों आपको विशेस हैं कि आपके स्कूल एग्जाम्स अच्छे से जाएं, और आप इनके लिए बहुत अच्छे से आप लोग इनको परफॉर्म करके अपने अच्छे नंबर लाएं। लेकिन प्लीज़ याद रखिएगा, स्कूल एग्जाम ज़रूरी हैं, लेकिन आपका अल्टीमेट एम हमेशा क्या होना चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अच्छा करना। सो स्कूल एग्जाम के डर से बहुत ज़्यादा अपने मेन एम से डाइवर्ट मत हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों वीडियो देखने के लिए, और आपके जो भी फ्रेंड्स जिनको इस वीडियो की ज़रूरत हो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और वेरी वेरी गुड लक फ्रॉम माई साइड, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।